और आइए सीधे लिए चलते हैं बैतूल, जहां लगातार तन्मय को बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बताते चले कि टीमें वहां पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार मौजूद है। जेसीबी की मदद से खुदाई बगल में की जा रही है ताकि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए, साथ ही साथ बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो। ऐसे में ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी नीचे तक पहुंचाई गई है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा भी पहुंचाया गया है ताकि बच्चे की हरकतों पर नजर रखा जा सके कि आखिर बच्चा कौन सी स्थिति में है, ठीक है या नहीं, उसको दिक्कत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। हालांकि वो जिस स्थिति में है उसका आंकलन लगा पाना कहीं ना कहीं मुश्किल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रेस्क्यू अब तक कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट्स? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे, रात से ही लगातार टीमें वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। सीएम की तरफ से भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार अपडेट्स ली जा रही है कि आखिर कहां तक ये रेस्क्यू का काम पहुंचा बच्चे को, क्योंकि सुरक्षित बाहर निकालना है। न्यूज़ स्टेट की भी यही मुहिम है कि तन्मय को हर हाल में बचाना है, हर हाल में सुरक्षित बाहर निकालना है। देखिए, बच्चा भी अपने पापा को आवाज़ लगा रहा है, पिता को आवाज़ लगाते हुए अंदर से कह रहा है कि बाबा मुझे बाहर निकालो, यहाँ अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि बच्चा अभी किस स्थिति में होगा, क्या महसूस कर रहा होगा। हालांकि बाहर लगातार टीमें मौजूद और तमाम कोशिशें, देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बच्चे को निकालने के लिए पहले तो गड्ढा भी खोदा गया है, साथ ही साथ अब गड्ढा तो खोदा गया है लेकिन बच्चे को पहले रस्सी से बाहर खींचने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशें हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, कहां तक आखिर रेस्क्यू पहुंचा है, बच्चा आखिर किस तरह से कब तक बाहर निकल पाएगा? जितेंद्र, आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार रात भर जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो काफी तेजी से यहाँ पर काम कर रही हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ और होमगार्ड के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में चाक चौबंद प्रबंध के साथ ही यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करीब 35 से 38 फीट की गहराई में जो मासूम तन्मय है वो फंसा हुआ है। और ऐसे 35 से 38 फीट की ऊंचाई जो गहराई है उस गहराई को मापने के लिए यहाँ पर एक जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है। इसके बाद एक टर्नल बनाई जाएगी और टर्नल बनाने के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें ये माना जा रहा है कि अभी भी कुछ समय और लग सकता है, करीब 5 से 6 घंटे का जो समय अभी और भी लग सकता है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर जो एक खुदाई है वो चल रही है, उसके बाद यहाँ पर एक टर्नल बनाई जाएगी, उस टर्नल के माध्यम से ही जो तन्मय है उसे बाहर निकाला जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन आसानी से तन्मय तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है, एसपी और कलेक्टर दोनों ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए रखे हैं। रात भर से ही, शाम से ही, जब से हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पर आए हुए हैं, रात भर से ही जो पोखरण मशीनें हैं वो यहाँ पर चल रही है और लगातार पोखरण मशीनों के माध्यम से जो गड्ढा खोदने का काम है वो किया जा रहा है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जरा सी भी कोताही नहीं बरती जा रही है। उसका कहना है एक अच्छा तरीका नजारा भी देखने को मिल रहा है कि जो 28 से ज्यादा फीट, करीब 30 फीट तक की जो गहराई है वो अभी तक हो चुकी है। 38 फीट की गहराई पर बताया जा रहा है कि जो तन्मय है वो फंसा हुआ है और ऐसे में महज 7 से 8 फीट गहराई और होनी है, उसके बाद यहाँ पर एक जो टर्नल है उसको बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और सभी को ये उम्मीद है कि तन्मय सकुशल बाहर वापस निकले। बिल्कुल जितेंद्र, तन्मय की क्या स्थिति है, क्या उसकी किस तरह की हरकतें हैं, क्या वो बोल रहा है, क्या वो सुरक्षित है अंदर? बिल्कुल, देखिए अगर बच्चे की बात करें तो लास्ट टाइम जो बच्चे की माता पिता की बात हुई थी अधिकार यहाँ पर डर लग रहा है, उसके बाद से लगातार जो उसके मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। ऑक्सीजन की जो पाइप है वो नीचे तक डाले गए ताकि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मिल सके और जो कैमरास है वो भी डाले जा रहे हैं, उसकी जो मूवमेंट है उस पर नजर बनी रखी जा रही है, क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है, सर्दी का समय है, ठंड का समय है और ऐसे में यहाँ पर जो बच्चे बचाने का काम है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है।
और जिस प्रकार से जो हादसा हुआ है, जिसके बाद यही माना जा रहा है कि जल्द ही जो खेत का जो जिसका एक खेत था जहाँ पर ये बने हुई थी वहाँ पर भी FIR है वो हो सकती है, जिसका एक खेत था जिसने जो बोरवेल खोद के रखी थी। बिल्कुल जितेंद्र, बच्चे के लिए अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की पाइपलाइन तो पहुंचाई गई है, साथ ही साथ उसको खाने पीने के लिए भी सामान क्या पहुँचाया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल देखिए, रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर आती है तो पूरी तरीके से इन तमाम चीजों का ख्याल रखती है कि बच्चे के मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके, उसको ऑक्सीजन प्रेशर रखे, उसके पास खाने पीने के लिए वो पहुंच सके, तो रस्सी के माध्यम से सामान है उस पर पहुंचा जा रहा है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के पाइप है उसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, और लगातार जो होमगार्ड के अगर हम बात करें जो कमांडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार बच्चे संपर्क करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सिर्फ अभी सबसे बड़ा मिशन यहाँ पर प्रशासन के पास यही है कि जल्द से जल्द गड्ढा खोद कर टनल बना ली जाए, और इस टनल बनाने के साथ ही बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल जितेंद्र, और CM भी पूरे मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संज्ञान लिए हुए हैं, और क्या कुछ CM की तरफ से इस पर कहा गया है? बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार रेस्क्यू की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, और जिस तरह से बच्चा फंसा हुआ है लगातार न्यूज स्टेट की यही मुहिम है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है।